आज हम बिल्ड करेंगे 60,000 का पीसी बिल्ड, और इस पीसी बिल्ड में हमने यूज़ किया है MSI B550 मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड के अंदर आपको वाईफाई ब्लूटूथ दोनों का सपोर्ट मिलता है, और बॉक्स पर क्लियरली मेंशन है कि राइजन के थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर इस पर सिर्फ सपोर्ट करेंगे, तो सेकेंड जनरेशन के प्रोसेसर इसमें लगाने का सोचना भी मत, क्योंकि सपोर्ट नहीं करेगा तो आपका नुकसान भी हो सकता है। और अगर राइजन सेकेंड जनरेशन के प्रोसेसर का यूज़ करके आप पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो B450 मदरबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। रैम हम यूज़ करेंगे XPG ADATA की तरफ से आने वाला रैम है, और D30 इसका मॉडल नंबर है। 8GB रैम की कैपेसिटी है, 3000 MHz की रैम है, और इस तरह की हमने दो रैम को यूज़ किया है इस पीसी बिल्ड में। और ये रैम काफ़ी हद तक RGB रैम की तरह दिखता है, बट इसमें RGB लाइट नहीं है, और ये गेमिंग रैम है। अगर इस रैम को आप ऑफलाइन परचेस करोगे तो काफ़ी अच्छी डील मिल सकती है आपको ऑफलाइन मार्केट में, और ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं, अमेज़ॉन पर ये रैम अवेलेबल है। प्राइमरी स्टोरेज के लिए हमने यूज़ किया है XPG की NVMe, 256GB इसकी कैपेसिटी है, और ये लगभग 3700 तक आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगी। ऑफलाइन अगर आपको परचेस करना है तो आपको काफ़ी अच्छी डील भी मिल सकती है, और अगर आपको 1TB या 500GB NVMe यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं ईजिली, अगर आपका बजट अच्छा है तो। पावर सप्लाई हमने यूज़ किया है कूलर मास्टर 550 वॉट का पावर सप्लाई है, 80+ रेटिंग के साथ आता है, और अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट से ट्राई करोगे तो काफ़ी अच्छी डील आपको पावर सप्लाई पर मिल सकती है। या फिर अगर आपको कोर्सेयर की 650 वॉट की पावर सप्लाई अगर कम रेट में मिल जाएगी तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आपको VS450 पावर सप्लाई यूज़ करना है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी चीप रेट में आपको मिल सकता है ये पावर सप्लाई, 3 ईयर वारंटी के साथ आता है। ग्राफिक कार्ड हम यूज़ करने वाले हैं Z4 GTX 1650 सुपर, NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है, 4GB VRAM इसकी कैपेसिटी है, और 13500 में आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इससे कम रेट में भी आपको मिल सकता है, डबल फैन के साथ आता है, और इसकी तरह ही एकदम सेम ग्राफिक कार्ड गैलेक्स का भी है, और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको गैलेक्स और चीप रेट में मिल जाए तो आप गैलेक्स का यूज़ कर लेना। DDR6 का ग्राफिक कार्ड ये भी है, और Zotac भी DDR6 का ग्राफिक कार्ड है, डुअल फैन इसमें भी है और इसमें भी डुअल फैन है। प्रोसेसर हमने यूज़ किया है AMD Ryzen 5 3600, 6-core 12 थ्रेड के साथ आता है ये प्रोसेसर, 17850 में आपको ऑनलाइन और इससे कम रेट में आपको ऑफलाइन में भी मिल सकता है, तो ऑफलाइन भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस प्रोसेसर में मल्टीटास्किंग काफ़ी अच्छी होती है, और ये प्रोसेसर की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए हमने 3600 यूज़ किया है, आप चाहे तो Ryzen 7 भी यूज़ कर सकते हैं। बोर्ड पर प्रोसेसर रखने के बाद प्रॉपर उसकी अलाइनमेंट को चेक कर लेना, प्रॉपर अगर प्लेस है तभी इस लीवर को नीचे करना, वरना आपके प्रोसेसर का थ्रेड टूट सकता है और फिजिकल डैमेज होने की वजह से इसकी वारंटी भी अवॉइड हो जाएगी। उसके बाद स्टॉक कूलर को आप इंस्टॉल कर लेना, और जैसा कि हम इसमें दिखा रहे हैं इस पर प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट लगा होता है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, स्टॉक कूलर को प्रोसेसर के ऊपर रखकर फिटिंग कर लेना है।
उसके बाद हम बोर्ड पर रैम इंस्टॉल कर लेंगे, यानी कि 16 GB जो हमने 8 GB की दो स्टिक यूज़ की है, 16 GB रैम को इंस्टॉल करने के बाद हम इसमें किसी भी स्टोरेज डिवाइस यानी कि NVMe को यूज़ नहीं करेंगे। सिंपली ग्राफिक कार्ड लगा के उसके बाद हम देखेंगे कि अगर इसका आउटपुट आता है, यानी कि फर्स्ट टाइम में अगर BIOS मेन्यू आ जाता है तो हमारा सभी सिस्टम रैम प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो मेक श्योर करने के लिए हम इसे ऐसे ही टेस्ट कर लेंगे। सब कंपोनेंट लगाने के बाद सिर्फ इसमें स्टोरेज डिवाइस नहीं लगाएंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अगर PC ऑन होता है तो आपको फर्स्ट टाइम BIOS मेन्यू में फ्लैश होता है। मदरबोर्ड पर जो पावर बटन की दो पिन होती है, यानी कि उन पिन को हम आपस में शॉर्ट करके इस मदरबोर्ड को ऑन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मदरबोर्ड ऑन हो चुका है सक्सेसफुली। इसमें कोई भी फ़ैन रुका हुआ नहीं है, यानी कि ग्राफिक कार्ड का फ़ैन, प्रोसेसर का फ़ैन या फिर SMPS का फ़ैन। आप देख सकते हैं हमें BIOS मेन्यू में फ्लैश कर दिया है इस मदरबोर्ड ने। और यहाँ पर देख सकते हैं अपडेटेड BIOS है, ये काफ़ी अपडेटेड BIOS है। पुराने BIOS में अगर आप चेक किए होंगे तो उसका इंटरफेस और इसके इंटरफेस में काफ़ी फ़र्क है। और आप देख सकते हैं सभी कंपोनेंट प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अब इसे सिंपली कैबिनेट में हम इंस्टॉल कर लेंगे IO शीट लगाने के बाद। और आप देख सकते हैं इसमें हमने काफ़ी चीप कैबिनेट यूज़ किया है। आप चाहे तो अच्छे से अच्छा कैबिनेट लगाए, और 60,000 का बिल्ड है तो इसमें अच्छे से अच्छा कैबिनेट हमें यूज़ करना चाहिए था, बट कुछ रीज़न की वजह से हमने इसमें ये कैबिनेट यूज़ किया है। बाद में हम फ्यूचर में इसे चेंज कर लेंगे कैबिनेट को।